हेलो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं मैं पटना जू के ठीक सामने स्थित हूँ और इसके अंदर आज हम लोग चलने वाले हैं। इससे पहला ब्लॉग आप लोग देखे थे कि किस प्रकार से पटना जंक्शन से पटना जू पहुँचे और कौन कौन सा टेम्पो जो है वो आती है और कौन सी बस आती है, तो आप लोग वो ब्लॉग नहीं देखे होंगे कि कैसे पटना जू पहुँचे पटना जंक्शन से, तो इससे पीछे वाला ब्लॉग जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले टिकट कटाते हैं। मैं पहले बहुत पहले आया हुआ था तो टिकट का जो प्राइस था लमसम 15 रुपये के आसपास में था, लेकिन अभी प्राइस जो है लगभग चेंज हो चुका है। ये सुविधा उपलब्ध है, आप फोन पे से भी यहाँ पर टिकट परचेज कर सकते हैं। तो अभी को टिकट का जो प्राइस है लगभग 30 रुपया हो चुका है, लगभग नहीं मतलब आप कह लीजिए कि 30 रुपये का पर पर्सन के हिसाब से आपको टिकट मिलता है। तो यहाँ पर भैया जो है टिकट ले लिए 3 पर्सन का, 3 पर्सन का पूछते कितना रुपया लगा है। 90 रुपये का टिकट है, मतलब 30 टका एक आदमी। टिकट लेने के बाद आप यहां से अंदर जा सकते हैं। पहले ये सिक्योरिटी यहां पर चेक होगा और आपको मतलब टिकट को क्रॉस करके आपको अंदर जाने दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से मतलब अंदर आने का प्रोसेस है। जब आप अंदर आते हैं तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे और यहाँ पर अगर आप अपने साथ लगेज लेकर के आते हैं तो लगेज रखने का भी व्यवस्था इसके अंदर किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप 10 रुपया दे करके अपने बैग को अंदर रख सकते हैं, जो भी आपका सामान है। अगर आप बाहर से आते हैं तो यहाँ पर अपना सामान भी रख सकते हैं, मात्र 10 रुपया देना पड़ता है आपको। और यहाँ चिड़ियाघर के अंदर जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे व्हीकल्स लगे हुए दिखाई दे देते हैं। आप इस व्हीकल्स पे बैठ करके मतलब घूम सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए व्हीकल पे बैठने का जो प्रयास है यहाँ पर किया जा रहा है B2 के तरफ से। देखिए ड्राइवर साहब जो बैठ चुके हैं, आप मात्र फ्री में चिड़ियाघर के अंदर का जो है परिसर के दृश्य आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा चीता। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से आराम कर रहा है यहाँ पर, और इसको हम लोग कब से मतलब बुलाने का कोशिश कर रहे हैं कि आओ आगे, लेकिन आ नहीं रहा है। अनेकों प्रकार के जानवर आपको चिड़ियाखाना के अंदर जब आप आते हैं तो देखने को आपको मिल जाते हैं। तो चलिए मैं आपको और यहाँ पर जो चिंपैंजी जो होते हैं उनको दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए भाई जी मुरे आते ही मतलब निकल गए, मुझे लगता है शायद ये अपने गर्लफ्रेंड के साथ आए होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं कि एक में लगता है मुझे कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो चुका है और एक साइड में बैठा हुआ है और एक दूसरे साइड में बैठा हुआ है। मात्र यहाँ पर दो आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर शेर देख सकते हैं, यहाँ पर एक अंदर जो ख़तरनाक शेर है उसको अंदर रखा गया है और एक जो है शेर आपको बाहर देखने को मिल जाता है। दोनों से आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ देखने को मिल पाता है जब इसके अंदर आते हैं चिड़ियाखाना के अंदर। तो अनेक प्रकार के आप जानवर को देख सकते हैं और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और कुछ देखने को मिल जाए। देखिए बाघ, यहाँ पर हमें बाघ देखने को मिल पा रहा है। आपके सामने मैं बाघ को दर्शा रहा हूँ, लगता है ये बूढ़ा हो चुका है, ये इसका शरीर जो है खोखला हो चुका था। तो आगे हम चलते हैं और यहाँ पर जो सर्पगृह है उसके अंदर हम लोग आ चुके हैं। तो सर्पगृह में सर्पों को देखना है हमें, आप लोग को अनेक प्रकार के सर्प को दर्शन कराने वाले हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा सर्प जो है ऊपर में, इसका मुंह तो दिखाई नहीं दे, दिखाई दे दिया इसका मुंह, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि दिखाई दिया कि नहीं दिया। और यहाँ देख सकते हैं आप कि अजगर जो है बड़ा अजगर आप को देखने को मिल जाता है और अनेकों सांप जो है आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रजाति आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि भारतीय अजगर है ये। इनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, धामिन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के इनके बारे में जान सकते हैं। ये नाग, वाइपर, अलग अलग सांपों की प्रजाति के बारे में, लाल रेत बोआ, तो आप यहाँ पर इनका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आम रेत बोआ इसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। हम आगे चलते हैं और आगे यहाँ पर आपको भालू देखने को मिल जाता है। ये आप भालू देख सकते हैं, दो दो भालू यहाँ पर मुझे देखने को मिला। क्या आप लोग कभी चिड़ियाखाना आए हैं या नहीं आए हैं, क्या आप लोग के समय में जब आए होंगे तो क्या भालू था या नहीं था, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं हर बार जब भी आता हूँ तब मुझे ये भालू जो है वो दिखाई दे देते हैं, अंदर नहीं बाहर ही रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये घूम फिर कर रहा है बेचारा, और इसका जो कहना है कि ये एक जो है झगड़ा करके रुस गया है और दूसरे साइड में वो
चला गया है। देखिए किस प्रकार से अपने पीठ को खुजला रहा है, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों आलसी कामचोर व्यक्ति हमको दिखाई दिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमू जो कि हमें बहुत ही ज़्यादातर पसंद है, और ये आपको शुतुरमुर्ग के एक प्रजाति में आशा है। तो आगे हम चलते हैं, ये उदबिलाव जो है आपको पानी में देखने को मिल जाता है। तो उदबिलाव ये चार लोग हैं, इसमें देख सकते हैं कि चार उदबिलाव को दर्शाया गया है और देखने को भी मिल जा पाता है। यहाँ पर बहुत सारे हिरण का भी आप देख सकते हैं, ये काला हिरण इसमें लिखा हुआ है लेकिन इसमें एक भी काला हिरण हमको देखने को नहीं मिला। मैं सारे के सारे जो है काला हिरण से डिफरेंट ही है। आगे हम चलते हैं और कुछ जानवर को देखेंगे और आप लोग को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। शुरू से हम लोग जेड फोर जेबरा पढ़ते आते हैं। आज जाके हम लोगों को जेड फोर जेबरा का जो सारा दर्शन हो चुका है। तो ये जेड फोर जेबरा है, ठीक है। तो आप इस पर ब्लैक स्ट्रिप इस पर बना रहता है, आप देख सकते हैं जेड फोर जेबरा का। तो आगे यहाँ पर सबसे बड़ा जानवर मुझे यही लगा, इसके बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है कि ये कौन सा जानवर है। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर चिड़ियाखाना का आप लोग वीडियो देखे तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की को प्रेस कर दीजिएगा। मैं इसी प्रकार का वीडियो आपके समक्ष लेकर आते रहता हूँ, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। अगला ब्लॉग्स देखने